नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन कहता है अकेले जंग जीती नहीं जाती, कोई बन के महात्मा गांधी मैदान में तो उतरे। आज हर सांस पर पाबंदी है, हर एक हरकत पर पहरे हैं। क्यों नहीं सुनता कोई बेवसों की पुकार, क्यों नहीं पोसता कोई मजलूमों के आंसू। कब गर्व होगा हमारा खून, कब जागेगी हमारे अंदर मर्दानगी, और कब पैदा होगा हमारे बीच कोई मर्द मर्द मर्द। क्योंकि यहां तेरी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं। पैदाइश हो तो आप इसे छू कर दिखाओ। नहीं। तुझे अपने भाई पर भरोसा है कि नहीं? बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है बेटा। ये क्या कर दिया माँ जी? माँ के हाथ बेटे के पांव में नहीं, सर पर होते हैं। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। चल बेटी,
नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा सर। अर्जुन, ये है सेठ जमुना दास, जिनके बेटे को कल रात तुमने बहुत बेरहमी से पीटा था। बैठो। इसलिए आपका ये लेक्चर सुनने के लिए कि 10 साल में तुम्हारा 14 बार ट्रांसफर हो चुका है, तुम्हें सब काम कानून के दायरे में करने चाहिए और जिनकी पहुंच ऊपर तक है उनके तलवे चाटने चाहिए। मेरे सीनियर मुझे यही नसीहत देते हैं। लाइए, मेरा ट्रांसफर लेटर लाइए। अर्जुन, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं, ये लो। आपकी तरह भगवान भी मजबूर है सर। जिस तरह आप मेरा ट्रांसफर ऑर्डर नहीं रुकवा सकते, उसी तरह भगवान भी मुझे ऐसे लोगों की औकात बताने से नहीं रोक सकता। चेट के लड़कों पर हाथ उठाने से पहले अपनी औकात का अंदाजा लगा लेना। बेटे को मारने पर ट्रांसफर, बाप को मारने पर भी ट्रांसफर है ना सर। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में लेना। क्या हुआ बिंदास? बेटे तू भगवान के पास नहीं जाएगा? अरे माँ, भगवान के पास तो मरने के बाद जाते हैं, अभी तो मैं जिंदा हूँ। सुधर जाओ, माँ नरक में जाने को नहीं कह रही है, यहाँ मंदिर में भगवान के पास जाने को कह रही है। क्या दिया तेरे भगवान ने मेरे को? दिया क्या मेरे को? तेरे को तो पुलिस की नौकरी दी, मेरे को क्या दिया? जब जब मैंने कुछ सोचा पूरा उल्टा हो गया। श्रीदेवी की मांग भरने की सोची, बोनी कपूर ने पूरा राशन भर दिया। रेखा पे नजर पड़ी, वो तो सब पे टूट पड़ी। रवीना पे नजर पड़ी, वो तो बोले बिना निकल पड़ी। क्या दिया? क्या कहते तेरे इस भगवान ने मेरे को? ये दीवार का शर्ट, ये जींस और ये बनी रत्न बीड़ी। உங்க படத்துல என்ன படிச்சுக்கிட்டு லைஃப் இந்த உலகத்துல ஒண்ணு கிடையாதப்போ சாத்தியத்திர பகவான் ஆய சுதரேகா நீ சலோ போட் நிகால் போட் நிகால் நீ தோ கம்பூட் படேகி தேரே சர் பே சல் சலோ மா படே பக்த பனே வே ले बेटा प्रसाद ले। प्रसाद? मिठाई समझ के खा लो भाई। क्या रिश्वत दे रहा है क्या? भाई ऐसा मत बोलो, ये गणपति भगवान का प्रसाद है। अपन किसी गणपति भगवान को नहीं जानते, अपन एक ही गणपति को जानते, वो है डायरेक्टर गणपति बोरा। और जो प्रसाद की बात करी ना माँ, ये प्रसाद की पिक्चर रिलीज हो गई है, हाउसफुल जा रही है, अपन चले। चल माँ दुर्गे, चले मुर्गे। भगवान Bye.
क्या है? चार टिकट। चल निकाल 200 रुपए। अरे बाल बच्चों वालों थोड़ा कम करो। तो मुझे पूछ कर पैदा किए थे क्या? चल जा, जाकर बाइस्कोप दिखा, 98 में काम हो जाएगा। अच्छा ठहरो, चार टिकट दे दो। एसीपी अर्जुन ट्रांसफर होकर वापस आ गया है, तुम लोग पतली गली पकड़ो, निकलो यहाँ से। क्या बिंदास, अर्जुन सचमुच आ गया? मैं अर्जुन पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसीपी अर्जुन की बात कर रहा हूँ। अरे एसीपी अर्जुन के सामने तुम्हारी अर्जुन फिल्म फ्लॉप है। ये तो ऐसे खुश हो रही जैसे दिल तो पागल हो गई। बिंदास बिंदास, तुम्हारे पास टिकट है? तेरे को क्या हो गया यार, क्या हो गया? अरे ब्लैक वाली तू है, मेरे से टिकट पूछ रही है, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई तू? मैं सचमुच पागल हो गई हूँ। अरे क्या पागल हो गई, इलाज क्या? मैं तेरे को बोलता हूँ धंधे पे, मेरे तो मजाक नहीं कर रहा। पागल ए, 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 मेरा टिकट वापस करो, अब मुझे चाहिए भाई। मारे को पिक्चर देखना है। अरे नहीं नहीं, एडल्ट फिल्म है, चिल्ड्रन नॉट अलाउड। छोरी झूठ मत बोल, पिक्चर देखना है। अच्छा बाबा, ये 300 रुपए। नहीं पैसों नहीं, मारे को पिक्चर देखना है। अच्छा बाबा, 400 रुपए। नहीं नहीं नहीं, अरे वाह, 200 दियो तो 400 मिल गयो। 10 का 50 10 का 50 10 का 50 10 का 50 10 का 50। अरे मैं टिकट ब्लैक कर रही हूँ, तुम मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करते? अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, ऑफिस जा रहा हूँ चार्ज लेने के लिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जैसे ही चार्ज ले लो मुझे गिरफ्तार कर लेना। इस बीच पुलिस स्टेशन जाने तक मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। ए, चलो नीचे उतरो, चलो ले चलो ना, 6 महीने से मेरी आंखें तुम्हारी राह देख रही थी। अरे क्या तेरी रंगत है, ओ होठों पे है क्या?
बेकरारी है, बड़ी बेकरारी है, कैसी ये खुमारी है, है खूबसूरत समा। ओ नशे में घटाए है, महकी हवाएं है, क्या कर रही है इधर? अर्जुन कहाँ है? साहब तो गया। चलो तो नीचे चलो उतर। अरे अरे बोले सेठ, अपन को यहाँ क्यों मिला है? बिंदास वर्मा, इस वक्त टिकट ब्लैक करने में तुम नंबर वन हो। बांद्रा से बोरीवली तक सारे थिएटर मेरे हैं और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये काम मेरे लिए करो, मगर हिस्सा 50-50। अगर मुझे मंजूर ना हो तो चुनाव सेठ, जिनके लिफ्ट शीशे के हों वो पत्थरों से टकराए नहीं करते। पिस्तौल मेरे पास भी है, लेकिन फर्क इतना है ना कि आपकी विलायती है और अपनी देसी है, और ये देसी चल गई ना तो आपकी औरत को बहुत तकलीफ होगी, वो बहुत रोएंगी और गाएंगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के क्या। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को मालूम था मजाक कर रहे हो। तुम्हारा एडवांस। अरे तुमने फेंके हुए पैसे उठा लिए? ये पैसे नहीं सेठ जी, रुपए हैं, रुपए हैं। अगर अपन ने उठा देना तो आप उठा लेते। लेकिन बचपन में तो तुम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते थे। बचपन में अपन बेवकूफ थे, पैसे की कदर नहीं जानता था मैं। लेकिन आज गटर में पैसा गिर जाए ना, चिपक लूंगा मैं। खैर आज से अपन काम शुरू कर देते हैं। रोज शाम को नल बाजार पर रशीद भाई कंदील वाले के पास आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। गुड बॉय। थैंक यू। अर्जुन अर्जुन, आई है एक दुखियारी, उसकी मदद कर दे। अरे अरे माजी, क्या बात है बताइए तो। क्या बताऊं, अब तो सिर्फ तेरा ही आसरा है। अरे माजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ। तेरी जवान बेटी है, वो एक लड़के से प्यार करती है। उस लड़के को देखकर उसका दिल धड़क धड़क जाता है और मेरी आँख फड़क फड़क जाती है। क्या? मेरी लड़की की आँख फड़क फड़क जाती है। तो मैं क्या करूँ? अरे तू ही तो सब कुछ कर सकता है, वो प्यार 50-50 है। 50-50? हाँ, वो लड़का मेरी लड़की को खास तक नहीं डालता। तो मैं क्या कर सकता हूँ माजी? अरे अरे जालिम, तू ही तो सब कुछ कर सकता है। अरे माजी माजी देखिए, छोड़िए माजी छोड़िए। हाँ माजी जरूर करूंगा। इस संगीन जुर्म में मैं आपकी बेटी को 100 साल की सजा दिलवाऊंगा। आप जरा विग ठीक से पहना कीजिए। चलिए अर्जुन, अर्जुन सुनो तो। आज तो मैं तुझे अपना दीवाना बना कर ही छोड़ूंगी। हाँ।
हाय रे हाय का प्यार पाने के लिए इतना गिरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस हरकत ने औरत की मर्यादा को पार कर दिया है। अगर अब भी आंखों में कोई शर्म बाकी है तो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करना। अब्दुल क्या कह रहे थे तुम? ठीक है भाईजान, आप इतना सोशल वर्क करते हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्या चुनाव लड़ेंगे भाई, जहां कदम कदम पर चोर बेईमान रिश्वतखोर भरे हो, ऐसे माहौल में कोई अकेला आदमी ईमानदारी से काम कर सकता है? अपने अर्जुन को देखो ना, क्या इनाम मिला उसको? ईमानदारी फुटबॉल बन के रह गया है, कभी ठोकर मार के वहां फेंक दिया जाता है, कभी ठोकर मार के यहां फेंक दिया जाता है, कुछ भी तो नहीं पाया उसने। भाईजान क्या है, कम है कि आज भी वो शेर की तरह ड्यूटी कर रहे हैं, और फिर यही बात अगर सब सोचते तो आज हमारा देश आजाद ही नहीं होता। देश को आजादी दिलाने के लिए गांधी और सुभाष अकेले ही चले थे, उसके बाद एक एक करके करोड़ों लोग उनके पीछे चल पड़े थे। भाईजान इनकलाब सिर्फ एक ही आदमी लाता है, आप एक बनिए तो सही, फिर आपके पीछे एक आए या जीरो, संख्या बढ़ती ही जाएगी। अब्दुल ठीक ही कह रहा है, मुल्क की हिफाजत ही सबसे बड़ी इबादत है। इबादत के लिए मैं तैयार। जान आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर दीनदयाल चौधरी ने मुल्क की जनता को बहुत पूछा है। मैं उसके सारे काले कारनामे और सत्या जैसे गुंडे के साथ उसके रिश्ते को अपने अखबार में छापूंगा। कसम खुदा की भाईजान, उसके बीवी बच्चे तक उसको वोट नहीं देंगे। यकीन मानिए आपकी एक तरफा जीत होगी भाईजान, एक तरफा जीत होगी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने उस संपादक को समझाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं मान रहा, कहता है कि इस बार वो सत्या और आपके रिश्तों को लेकर अखबार में जरूर छापेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, अपने आप को एक्सपोज होने से आपको बचाना पड़ेगा। क्या एक्सपोज करेगा? अरे रतन तुम भी क्यों इतनी जल्दी घबरा जाते हो, मेरे पास है ही क्या जो एक्सपोज करेगा? वो कहाँ है? वो अब्दुल कलीम आजाद, संपादक भारत टाइम्स। भाई चौबे इनके लिए पैक बनाओ
जी नो थैंक यू, शराब मेरे लिए हराम है। रहने दो चौबे, इनके लिए कोई ऐसी चीज बनाओ जिसे हम हराम समझते हो। जिसे आप जैसे नेता हराम समझते हो, ऐसी गंदी चीज कुदरत ने अभी तक बनाई ही नहीं। देखो मिस्टर कलीम, चुनाव सिर पे आ रहे हैं इसलिए मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं करना चाहता। समझौता कर लो, सुखी रहोगे, और वैसे भी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। गांधी ने अकेले ही देश को आजादी दिलवाई थी। जीसस क्राइस्ट ने अकेले ही दुनिया का रुख बदल दिया था। मैंने तो तुम गांधी हो ना ही तुम जीसस क्राइस्ट हो। हाँ, ना ही मैं गांधी हूं और ना ही मैं जीसस क्राइस्ट हूं और ना ही मैं पूरे देश को बदल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे इतिहास को बदल दूंगा, तुम्हें दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। संपादक महोदय, एक रुपए की कलम लेकर इतना बड़ा ख्वाब सजा डाला? एक रुपए की कलम ही करोड़ों की सरकार को धाराशाही कर सकती है चीफ मिनिस्टर साहब। शट अप, यू शट अप। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं जिसे तुम धुतकारो। तुम ही ने मुझे घर पर बुलाया था, ना ही मैं तुम्हारा यसमन पिया हूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरा अखबार तुम्हारी सुर्खियां छापेगा। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लेना। बस जीते रहो। ले बेटा, ले छोटे, खा। अरे बेटा, अभी ले बेटा। अरे भतीजे खाओ। ए रतन, तुझे याद है जब ये दोनों छोटे थे तो मैं रोज सुबह उनको काली मिर्ची घी और शहद चटवाते थे। सत्यालाल, ए सत्यालाल, बहुत गजब हो गया भाई। अरे बेटा, वो जो भारत टाइम्स का एडिटर है ना अब्दुल कलीम, वो हमारे बारे में सब कुछ छापने वाला है। सत्यालाल, सत्या, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? कौन सी बात? जब मैं अपने परिवार वालों के साथ होता हूं तब मुझे सिर्फ अपने परिवार वालों की बातें सुनाई देती हैं, मंदिर की घंटी भी नहीं और नेता का भाषण भी नहीं। मैं यहां जोक सुनाने नहीं आया हूं, सत्या, आने वाली मुसीबतों के बारे में बताने आया हूं। अगर अब्दुल कलीम ने वो सब कुछ छाप दिया ना तो इन सबकी हंसी परमानेंटली बंद हो जाएगी। अपनी जबान को लगाम दे। दयाल चौधरी, तेरी और मेरी जात एक ही है। तुझे जनता ने वोट देकर गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया है और मैंने जनता से गुंडागर्दी का लाइसेंस लिया है। ऊंचा बोलोगे, मैं दोस्त हूं, मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा। ये बच्चे हैं, गर्म खून है इनका, ये अपने आप को नहीं संभाल सकेंगे। इन्हें जरा वक्त की नजाकत समझा दो। हर आदमी मेरी तरह तुम्हारा दोस्त नहीं है। ना ना दयाल, ना। मेरे बच्चों को
कोई छू भी नहीं सकेगा। ये छोटा है मेरा, इसकी मां ने एक बार इसे थप्पड़ मार दिया था, मैंने इसकी मां को छोड़ दिया था। बात सुन ली है मैंने तुम्हारी, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ना कानून ना सरकार, सबसे बड़ी है सत्या की मार, हो जाएगा। मैंने मैटर लिखकर अपने टेबल पर रख दिया है, तुम उसे टाइप करके प्रूफ रीडर को दे देना, बाकी प्रिंट फॉर्मा मैं जो जल्दी। क्या बात? वहाँ कुछ गुंडे अब्दुल भाई को मार रहे हैं। कहाँ? आइए मेरे साथ। भाई को मारे, उसे चल के बचा लीजिए। सुन लिया, 10 मिनट रुक जाओ, सैंडविच तो खा लूं। सुबह से कुछ नहीं खाया, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पर था, पेट खाली है। 10 मिनट में तो दुनिया बदल जाएगी, मेरा बच्चा मेरा भाई मारा जाएगा। अरे एक मिनट यार, रोज सुबह से शाम तक लोग कटते रहते हैं, पुलिस किस किस को बचाएगी? घूरता क्या है, देखता नहीं सैंडविच खा रहा हूं। हमारी दास्तान तो तू अपने अखबार में नहीं छाप पाया, लेकिन कल तेरी मौत की खबर अखबारों में जरूर छपेगी। अब्दुल, 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 मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे भाई, बच्चे मेरे, अरे देख मैं आ गया हूँ, तुझसे पूछे बिना। अरे तूने क्या कर दिया रे बेटा, तू तो कह रहा था मेरी एक तरफा जीत होगी, अरे मेरी तो चौतरफा हार हो गई। अरे तूने ये क्या कर दिया बेटे? नहीं तो फिर ही उतारोगे इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हमदर्दी मेरे भाई की कमी को पूरा नहीं कर सकती है, उसकी रूह परवास कर गई है, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। अपनी टोपी वापस पहनो, पहनो अपनी ये टोपी। रात का वक्त है, शबनम गिर रही है, तुम्हें नजला हो जाएगा। ए तो इंस्पेक्टर आराम करो, जाओ 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 जाओ, जाते मुझे नहीं चाहिए हमदर्दी। अरे मेरा भाई तो मर गया, मैं क्या करूंगा किसी के अंदर भी लेकर, मुझे नहीं चाहिए अंदर भी, मुझे नहीं चाहिए अंदर भी। अल्लाह
نہیں ارجن، تمہیں دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ تمہارے جیسے دوست، تمہارے جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے میرے عبدل کو بیچ چراہے پہ قتل کر دیا گیا۔ لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں روز مرتے ہیں، پولیس سب کو تھوڑی بچاتی ہے، پولیس کا غم تھوڑی بچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات ڈیوٹی پر کون تھا؟ چائے اور سینڈوچ کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ تیری نظر میں ایک انسان کی زندگی کی قیمت چائے اور سینڈوچ سے بھی کم ہے، ہے نا؟ چائے ہاں، سینڈوچ، اس حرامی کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچا ہے تو نے، بول۔ ایک پولیس والا ہو کر ایک پولیس والے کو اتنا مارا تم نے؟ چھان مارو، خبردار اگر کوئی آگے بڑھا تو، اور نو ٹانگیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کی ٹانگیں کاٹے گا تو؟ ہاں، ارجن کی گردن میں رون کے رکھ دوں گا حرام زادے۔ جاؤ اپنی فوج کو روک لے انسپیکٹر، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اے کیا ہو رہا ہے سی پی؟ میرے پلوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، جب تک نہیں ملتے زندہ ہیں، جس دن مل گئے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر چیر ڈالوں گا۔ اے کس کو چیر کر رکھ دے گا تو؟ میرے بھتیجوں کو۔ ایس سی پی کیا کہا؟ سنا ہی نہیں دیا، پھر سے بول، پھر سے بول، بول۔ اچھا، کان پٹی سے کان نوچ لوں گا، میرے بچوں کی موت کی چیخیں بھی تجھے سنائی نہیں دے گی۔ ایس سی پی اگر میرے بچوں کو قانون کی ہوا چھو بھی گئی نا تو شہر میں جہاں جہاں تھانا ہے کھڈے کھود دوں گا۔ سر وہ یہاں نہیں ہے۔ ستیہ لال، اگر تو اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے کہیں منت مانگ رہا ہے نا تو بند کر،
क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तेरी मन्नत कबूल नहीं होगी। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। मिस्टर बिंदास, मुझे वजह तो नहीं मालूम, मगर ऐसा लगता है आपको धंधा करना नहीं आता, क्योंकि इस छोटे से थिएटर को जिसमें सिर्फ 200 सीट हैं, बालकनी भी नहीं है, आपने इतने महंगे दामों में खरीदकर सरासर बेवकूफी की है, क्योंकि इतने दामों में तो गुजरात में 2 थिएटर मिल जाते। माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता? चाचा, बिजनेस करना आपको नहीं आता, अगर आप इस थिएटर के 25-30 लाख और मांगते ना तो ये बिंदास आपको उठा के दे डालता। ऐसी कौन सी बात है इस थिएटर में? अरे ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं चाचा। जब ये थिएटर नहीं बनी थी ना तो इसके सामने मेरी माँ बटाटे वड़े पाव बेचती थी। बटाटे वड़े पाव, लाल चटनी, लाल चटनी। और आज मेरी माँ की 25वीं विधवा सालगिरह है, और ये मेरी माँ को मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। और आज से इस थिएटर का नाम होएगा सावित्री बाई बटाटे वड़े वाली सिनेमा। भैया मुझे माफ करो, मैं MF हुसैन नहीं हूँ। नहीं है? वो क्या आप चप्पल पहने हुए ना, वो चप्पल पहनते नहीं है। अच्छा। ये बाल बाल कटा लीजिए ना आप, माधुरी के फैन लोग आप पे बहुत भड़के हुए, अपन को मालूम है ना, अपन पिक्चर के ब्लैक किए हुए। तिरुपति जाइए आप। अच्छा, चलो अच्छा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। माँ माँ, आपकी 25वीं विधवा सालगिरह पर ये मेरी तरफ से तोहफा, SDBWC। आप लोग समझे नहीं, इसका मतलब है सावित्री देवी बटाटे वड़े वाली सिनेमा माँ, मेरी तरफ से। क्या बात है माँ, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। भाई मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें तमाम ब्लैक मार्केटियर के नाम हैं, एक नाम तुम्हारा भी है, इस पेपर पर साइन कर दो। क्या लिखा है इसमें? तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। दस, तेरे को याद है हम लोग बचपन से कैसे पले बड़े हैं? तुम साइन करो भाई। दस, याद करो बचपन, माँ अपने को गटर के किनारे अपनी गोद में सुलाती थी। एक बार माँ को नींद की झपकी आई और हम दोनों को लेकर गटर में गिर गई थी। सूंघो अपने आप को, बचपन की लगी हुई गंदगी की बदबू आज तक आएगी। तुम साइन करते हो या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले जाओ साथ मेरे साइन लेकर आओ जिसे मेरे हाथ पे लिख दिया था हरामी ब्लैक वाला। जाओ साथ मेरे साइन लेकर आओ जिसे रजिया सुल्तान फिल्म बना के मेरे हजारों हजारों रुपए का सत्यानाश कर दिए थे। जाओ साथ मेरे साइन लेकर आओ जिसे रूप की रानी चोरों का राजा बनाकर मुझे कंगाल कर दिया था। जाओ साथ मेरे साइन लेकर आओ जिसे पिछले महीने पिछले साल 1 महीने के लिए थिएटर को हड़ताल कर दिया था। उसके बाद तुम कहो जिस कागज पर, जिस पेन से, बॉल पेन से, निप पेन से, पेंसिल से, मैं साइन करने को तैयार हूं। तांजी क्या बात कर रहा है, तुझे मालूम है मैं अंगूठे छापूं? दूसरों की गलतियां गिनाकर तुम पुलिस के डिमांड को ठुकरा रहे हो, और तुम्हारी ये हरकत हमारे बीच में दीवार बन गई है, और जब तक ये दीवार हम दोनों के बीच में है, हम दोनों एक साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकते। चलो माँ। तेरे को जाना है, जा, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। कौन था वो तेरा जिसने तेरे हाथ पे हरामी ब्लैक वाला लिख दिया? कौन था वो तेरा जिसने रजिया सुल्तान जैसी फिल्म बनाई? अरे कौन था वो तेरा जिसने रूप की रानी और चोरों का राजा जैसी फिल्म बनाई? लेकिन तू तो मेरा राजा बेटा था रे, फिर तूने ऐसी घटिया और डिब्बा पिक्चरों की टिक टिक
क्यों खरीदी? चलो माँ। चलो बेटा। माँ माँ, मैंने बचपन से टिकट ब्लैक करके इतना बड़ा थिएटर तुझे तोहफा देने के लिए आया था, और तू आज ये व्हाइट साड़ी क्या पहन ली, इसके साथ जाकर व्हाइट व्हाइट हो गई। माँ, सत्या के बच्चे थराड़ में है सर। ए, कुछ पता चला बच्चों का? पुराना अड्डे पे नहीं है, फार्म हाउस से आ रहा हूं, वहां भी नहीं है। सेठी क्या? मैं सेठी के वहां जाके आया था, वहां पर भी नहीं है बच्चे। तो बच्चे गए कहां? नहीं बेटे, घबराओ नहीं बेटे, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, सत्या जिंदा बैठा है अभी। ए, वो अर्जुन कुत्ता जहां दिखाई थे टुकड़े टुकड़े कर दो उसके, खत्म कर दो उसको, जाओ। ठहरो सत्यलाल, ठहरो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को। एक बात याद रखना, जिन बातों को दबाने के लिए हमने उस एडिटर अब्दुल कलीम का खून किया था, वो बातें सामने आ जाएंगी। देखो दयाल, रिलैक्स, मैं अर्जुन को बुलाऊंगा, उसे समझाऊंगा कि वो तुम्हारे बच्चों का केस वापस ले ले, जस्ट रिलैक्स। एसीपी अर्जुन, मैंने यहां तुम्हें वार्निंग देने के लिए नहीं बल्कि एक सलाह देने के लिए बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जोखिम उठाओ, देश को तुम जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मैं चाहता हूं कि तुम सत्य का केस छोड़ दो। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले यहां काम नहीं होता था, पुलिस मुजरिमों को नहीं पकड़ती थी, गुंडों के इनकाउंटर नहीं होते थे, नहीं, सब होता था। तुम एक ऑफिसर हो अर्जुन, पूरा सिस्टम नहीं, और यह पूरा सिस्टम बहुत बड़ी विसात है जिसमें तुम्हारी हैसियत केवल एक प्यादे की है और कुछ नहीं। अपने हिटलरी जुनूनी दिमाग को काबू में रखो, वरना तुम्हारे लिए संविधान में से रद्दो बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस के हाथों तुम्हारा भी इनकाउंटर हो सकता है। तुमने चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारा? छह बज चुके हैं, अब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो, तुम्हारी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अब तुम सिर्फ एक साधारण आदमी। ये थप्पड़ इस कमरे में मारा है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे कानों पर मारा है। आइंदा अगर ऐसी हिमाकत की तो बीच सड़क पर ऐसा कस के थप्पड़ मारूंगा कि उसकी गूंज 100 करोड़ की आबादी के कानों में पहुंचे। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला लूंगा। गुड इवनिंग सर। अर्जुन, हमें खबर मिली है कि चुनाव के दौरान मिजोरा चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें वहां भेजने का फैसला किया है। सर, मुझे चुनाव में गड़बड़ रोकने के लिए वहां भेजा जा रहा है? यहां चुनाव में
यहां गड़बड़ कराने के लिए मुझे हटाया जा रहा है। अर्जुन तुम क्या समझते हो, पूरी पुलिस फोर्स में तुम ही ईमानदार हो, बाकी सारे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है अर्जुन के तुम्हें वर्दी में ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, वरना मिनिस्टर साहब के मुंह पर थप्पड़ मारने का क्या असर हो सकता है, जानते हो? अगर मिनिस्टर साहब इलेक्शन जीतकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गए तो ये जो तुम्हारा जोश है ना, जोश, इसे तुम्हारे खून से निकालकर बाहर फेंक देंगे। सर गुस्ताखी मार, जब मैं छोटा था गलती करने पर मेरी मां मुझे डराती थी कि भूत आ जाएगा, और मैं डर जाता था यह सोच करके पता नहीं भूत कैसा होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं और आप मुझे उस भूत से डरा रहे हैं जिसे मैं ऑलरेडी कस के थप्पड़ मार चुका हूं। अर्जुन, वो कर्म करेगा तो हम कर्म करेंगे, वो सितम करेगा तो हम सितम करेंगे, हमारे जैसा इंसान है वो भी, वो जो करेगा हम वो करेंगे। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दयाल चौधरी जिंदाबाद, 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 दयाल चौधरी जिंदाबाद। दोस्तों, बहुत कुछ कहने की उम्मीद लेकर मैं आप लोगों के सामने आया था, मगर अब जब यहां आया हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, क्यों कहूं और किससे कहूं। इस भीड़ से कहूं जो 24 घंटे भेड़ बकरियों की तरह डरी और सहमी रहती है, जो देश की रक्षा करना तो दूर की बात है, अपनी मां बहन और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, हाथ फैलाकर ऐसे लोगों से वोट क्या मांगू जो खुद पिछले 50 साल से भिखारियों की तरह हाथ फैलाए हुए बैठे। ऐसे बुजदिल लोग जिनके जमीर मर चुके हैं, जो जुल्म सह सहकर जमीन दोज होते जा रहे हैं, ऐसे उनसे मैं क्या वोट मांगूंगा जिनके मर्दों में, जिनके नौजवानों में मर्दों से कम और औरतों की झलक ज्यादा नजर आती है। ऐसे नपुंसक लोगों के वोट मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे हक के लिए किसी लड़ाई के मैदान में कूदा तो बुजदिलो सबसे पहले तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। मुझे ऐसे नामर्दों के वोट नहीं चाहिए। शाबाश, यही चाहता था मैं। अब मुझे परवाह नहीं है कि मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं जीतूं या हारूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर जो मैं चाहता था मेरा वो काम हो गया। मैं चाहता था तुम्हारे मुर्दा जमीर जिंदा हो, तुम्हारे मन की सोई हुई आग जागे, अपने अंदर रक्षा करने का जज्बा पैदा हो। उसके आसार इस चप्पल से नजर आ गए और मैं कसम से कहता हूं कि यही जज्बा अगर हिंदुस्तान के हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़े, हर बच्चे के दिल में पैदा हो जाए तो तुम पर जुल्म करने वाले, तुम्हारे साथ बेइज्जती करने वाले, तुमको धोखा देने वालों के मुंह पर सुबह शाम चप्पलों की बारिश होगी। मेरे दोस्तों, एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधारना होगा, एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। शुक्रिया साहब, मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और जिंदगी में हाथ जोड़ना, सर झुकाना ये बंद कर दो, लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया इसका। नहीं, मन में जो आज
आग भड़की थी ना, उसको बुझने नहीं देना। ये मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, और ये तोहफा ले जाओ अपना। भाग जाओ यहाँ से, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आप। ए? किसके टुकड़े करेगा तू? किसे भागने का हुक्म दे रहा है? हम यहाँ राशन लेने नहीं, हम यहाँ मतदान करने आए हैं। ये हमारा हक है, तेरी तानाशाही नहीं। अरे सुंदरे, ये अपने लिपस्टिक वाले होठ है ना, इनको जरा बंद करके रखो, वरना कभी ऐसा ना हो कि मतदान करने की बजाय तुम्हें इज्जत दान करनी पड़ जाए। अच्छा? हाँ। हाथ लगा कर तो देख, हाथ को जिस्म से अलग न कर दिया तो लानत है मेरे औरत होने पर। मेरे हाथ काटेगी तू? रतनलाल के हाथ काटेगी? तो ले, हम तेरे बदन को छूते हैं, तेरे होठों को छुआ, तेरे कालों को छुआ, तेरी दाया। तुम्हारी नामर्दी तुम्हारी बीवियों को इतना डरा देगी कि वो अपने बच्चों को दूध भी इन गुंडों से पूछ कर पिलाएंगी, इन गुंडों से पूछ कर श्रृंगार करेंगी, और तुम लोग खड़े होकर तमाशा देखना। अभी भी वक्त है, जाग जाओ तुम लोग, अभी भी वक्त है, जागो तुम लोग, जाग जाओ। चुनाव के ताजा परिणाम। गुलाम कलीम आजाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूतपूर्व मुख्यमंत्री दयाल सिंह चौधरी को 2,70,555 वोटों से पराजित कर दिया। मैं आज से ये चीफ मिनिस्टर की पूर्ति संभाल रहा हूँ। शुक्रिया, मगर ये कोई ऐश का सिंहासन नहीं है, इम्तिहान का आसन है। दाग चाहे जिस्म पे लगा हो चाहे कपड़े पे लगा हो, अच्छा नहीं लगता, और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके वजूद पे दाग लगे। मगर मुझे इस बेदाग पदवी पे बिठाने के लिए वोट देते वक्त जाने कितने लोगों ने अपनी उंगलियों पे दाग लगाए होंगे। इस कुर्सी पर बैठकर मुझे सबसे पहले वो दाग धोने हैं जो पिछली सरकारों ने अपने दामन पे लगा लिए, और इसके लिए मुझे आप साहिबान की सहायता की बहुत सख्त जरूरत। सर, सबसे पहले पूरे स्टेट में जितने भी लाइसेंस, कोटे और ठेके और परमिट दिए गए हैं वो आज से कैंसिल, और उन ऑर्डर्स की फाइल
24 घंटे के अंदर मेरे टेबल पे चाहिए, समझ गए? नंबर दो, पूरे स्टेट के अंदर ऐसे जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जो डोनेशन लेकर दाखला देते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल, उनको लॉक करवा दिया जाए। नंबर तीन, वो ऑफिसर जो भ्रष्ट हैं, रिश्वत लेते हैं, वक्त पर ऑफिस नहीं आते, काम को मेहरबानी समझ के करते हैं, उनके नामों की लिस्ट मुझे चाहिए, और ऐसे ऑफिसर्स की मेरे मिनिस्ट्री में कोई जगह नहीं है। और ये सारे काम आपको एक हफ्ते के अंदर करने हैं, और अगर नहीं किए तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मिनिस्ट्री के IAS ऑफिसर आप लोग जिम्मेदार होंगे उसके। लेकिन सर, एक हफ्ते में इतने काम, इतनी फेरबदल कैसे हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो इस्तीफा दे दीजिए। मेरी मिनिस्ट्री में वो बिल्कुल नहीं होगा कि किसी ने पीने के पानी की दरख्वास्त दी और उसकी फाइल महीनों तक टेबलों पर टहल रही है। फाइल तो महीनों तक टेबलों पर दौड़ सकती है, मगर प्यासा महीनों तक प्यासा नहीं रह सकता है। उसको पानी देना चाहिए और देना होगा आपको। जी, समझ गए? आप सब भी समझ गए होंगे। सर, अर्जुन, मैं गुलाम कलीम आजाद, पहले तो तुम मुझसे गले मिला करते थे। सर, जब मैं आपसे पहले मिलने आता था तो आपको चटाई पे बैठकर कलाम पाक पढ़ते पाता था। आज जब मैं आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर फाइलें पढ़ते देखा तो गले मिलना ठीक नहीं समझा। वैसे भी इस कुर्सी पर बैठने वाला किसी को गले नहीं लगा। अर्जुन, तुम जैसे बहादुरों को गले लगाने के लिए ही मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं। आओ। ऑल द बेस्ट, बैठो। मेरे चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब अब्दुल ने देखा था, वो ख्वाब तो पूरा हो गया, मगर पुलिस ऑफिसर बनने के बाद जो सपना तुमने देखा था वो सपना अभी तक अधूरा है। वो अधूरा ही रह जाएगा सर, पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्दी हमें जिस काम के लिए दी जाती है वो काम हम नहीं कर पाते। जो हथकड़ी हमें मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए दी जाती है वही हथकड़ी के हथकंडों से हमारे हाथ बांध दिए जाते। हर गुंडे, हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड पुलिस फाइल में रहता है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन गुंडे और फाइलें नहीं बदलती। जो भी आती है वो अपनी मेहरबानी का हाथ गुंडों के सर पर रख देती है, और हम ये मर्दाना वर्दी पहनकर नामर्द बन के रह जाते। हमारी पुलिस फोर्स में जोश की कमी नहीं है सर, लेकिन हमें अपने फर्ज के लिए मर मिटने वालों को मौका नहीं दिया जाता। सर, आपने तो अखबारों में, टीवी में देखा होगा कि एक आम आदमी बड़े बड़े अपराधियों से जाकर मिलता है, बातचीत करता है, फिर चला भी आता है। कमाल की बात देखिए, हम पुलिस वालों को ना उसका पता मिलता है ना हम बातचीत कर पाते हैं। क्या है सर, हमने ये वर्दी क्यों पहनी है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या है, ये सब इस कुर्सी पर बैठने वाला हमें बताता है। अर्जुन, मैं इस कुर्सी पर आज बैठूं और मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, बल्कि तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाने के लिए मेरी तरफ से क्या मदद चाहिए, वो तुम्हें मैं दूंगा। इसलिए मिटा दो, खत्म कर दो, जितने भी तुमको समाज में गुंडे, कातिल, बदमाश, रिश्वतखोर जितने भी नजर आए सबको मिटा दो, क्योंकि सख्ती के बगैर कोई सरकार चल नहीं सकती। अरे परवरदिगार को दुनिया से गुनाहगारों को मिटाने के लिए जहन्नम बनानी पड़ी थी, तुम भी गुंडों के लिए दुनिया को जहन्नम बना दो, मेरी तरफ से पूरी आजादी है तुम्हें। सर, बांध टूटने के बाद पानी का जो बहाव निकलता है वो पलटता नहीं। खुद मुझे भी बहादुरों का पलट कर पीछे देखना अच्छा नहीं लगता है। Come on, come on.
ये लो दादा, नमस्ते। ये लो दादा, नमस्ते। ये लो दादा, नमस्ते। एसीपी अर्जुन ने बोला है कि किसी भी गुंडे को आपता नहीं देना। देता हूँ दादा, देता हूँ। इधर आ। हेलो। हम इधर का दादा है। क्या करता है हम दादा? चल। तू यहाँ का दादा है ना? ए चाय वाले। ओ काकी, यहाँ का दादा है ना? तेरी तो। चल, अब मैं वर्दी में नहीं हूं और ना ही मैं कुर्सी पर। बोल क्या बोलता है अभी, रखना भाई जरा। चल मार, मार बे, चल मार, मार, मार ना बे, चल मार, मार बे। ए, हम बहुत ताकतवर आदमी हैं। कैसा लगा? मजा आया? मजा आया? अर्जुन ने शेट्टी का अड्डा तहस नहस कर दिया। सत्य दादा, फ्रांसिस के 30 आदमी खत्म कर दिए अर्जुन ने। हर जगह तबाही मचाई हुई है उसने। हर बुरे काम करने वाले को चुन चुन के मार रहा है वो। इस वक्त एसीपी अर्जुन इंसान से रॉबर्ट बन गया है। एसीपी अर्जुन ने हमारे 20 आदमियों को भून डाला। गुनहगारों पे शेर की तरह टूट पड़ा है वो। मर्द साला, शेरनी का जिगरा रखने वाली किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। बरसों से कोई बराबरी का दुश्मन नहीं मिला था। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा अपनी तलवार को खून पिलाने का। हाँ।
थमो, कहां जा रही हो? मंदिर। आओ गाड़ी में बैठो। हम आओ बैठो। बूथ कैप्चरिंग के बारे में सुना था, तुम्हें माँ दुर्गा और चंडी का रूप देखा तो खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, मंदिर में क्या मांगने जा रही हो? तुम्हारी लंबी उम्र, तुम्हारे सपने और तुम्हें। नीचे उतरो। मैंने कहा ना नीचे उतरो। तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? तो जाओ उस कुत्ते के मुंह पर कस के थप्पड़ मारो। भाई कितने पैसे हुए तेरे? मैं जानता हूं ये रस्मों रिवाज से हटके है, और मैं मानता हूं कि जिंदगी के सौदे दिलों के सौदे। देखो भगवान भी इस बात की साक्षी दे रहा है। सत्यलाल, मैं तुम्हारी वजह से इलेक्शन हारा हूं। खैर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर बनके बहुत पैसा कमाया है मैंने, जिंदगी भर ऐश करूंगा। लेकिन अब तुम्हारा साथ देने वाला मिनिस्ट्री में कोई नहीं रहा। अगर कानून की चपेट में आ गए ना, तो जिंदगी भर अपने भाई और बेटों के साथ जेल में कैदियों की हजामत करना, और अगर बच गए तो सड़क पर चने बेचना। सही फरमाया आपने, मेरी ये वर्दी भी चंद दिन की मेहमान है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी जनता की सेवा करने के बजाय मैंने खुद की सेवा की है। मेरे रिश्वत बैंक में इतनी दौलत जमा हो गई है कि मेरी सात पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। चुप चुप, मैंने कहा था तुम लोगों से कि अपना ईमान बेचकर कुर्सी पर बैठो, बल्कि तुम लोगों की वजह से मेरे जान से प्यारे दोनों बेटे मुझसे दूर हो गए। अब मैं किसके आगे माथा रख लूं, कहां सर झुकाऊं? भैया ये रतन, ये क्या हो गया? किसने किया ये? भैया उस रामजादे एसीपी अर्जुन ने
मेरा हाथ काट दिया भैया। ये तो अनहोनी हो गई। दूसरों के हाथ पैर काटने वाले सत्या के भाई का हाथ काट दिया, भैया बना दिया। दूसरों को मौत के घाट उतारने वाले सत्या के बेटे तड़ी पर। सत्या, इन कुत्तों को भेजा था पुलिस को मारने के लिए। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब तक मैं खामोश हूं, ये शहर शहर है। जिस दिन मैंने खामोशी तोड़ी, पूरे शहर को मलबे का ढेर बना दूंगा। चल अच्छा बच्चा बन, छोड़ दे इन्हें। चल चल छोड़ दे इन्हें, छोड़ दो उन्हें। शाबाश। चलो 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 चलो। देख लिया पुलिस वालों से पंगा लेने का अंजाम। देख लिया जब तक आग से हाथ नहीं जलता, बच्चे आग को खिलौना समझते हैं। तेरी अभी तक आग से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए तू अपने आप को आग समझ। इसे कहते आग। ये छोटी सी चिंगारी से डर गया तो मुझ जैसे ज्वालामुखी से कैसे मुकाबला करे। अर्जुन, पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। चल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हो जाएगा। 5 लाख रुपए बाद में बात करूंगा। ये किस लिए भाई? हमारा नाम पुलिस की हिट लिस्ट से निकाल दीजिए। आपको हर महीने ऐसा ही एक ब्रीफकेस मिलता रहेगा। हा? अरे हाथ मिला भाई। अरे मुझे नहीं मालूम था तुम लोगों से हाथ मिलाने से इतना फायदा। अभी तुम लोग जिसको चाहो लूटो, जिसको चाहो मारो, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। जाओ 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 जाओ, ऐश करो भाई। मिस्टर कदम। यस सर। इधर आइए, ये पैसे सरकारी खाते में जमा कर दो। लेकिन सर। अरे काहे का लेकिन भाई, इन्हें मानने के लिए जनता का नुकसान मत किया करो। जनता का नुकसान? अरे इन्हें मानने के लिए 2 गोलियां चलेंगी थी? और ये 2 गोलियां बनाने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। जी सर। और सरकार को जनता खून पसीने की कमाई टैक्स के जरिए देती है। राइट सर। तो इन्हें मानने के लिए जनता का नुकसान क्यों करे? अरे इन्हीं के पैसे से गोलियां बनाओ और इन्हीं पे ठोक दो, ले जाओ। वेरी राइट सर। नमस्ते साहब। वहां लफड़ा है क्या? मेरे ऊपर वाले मान नहीं रहे, वो तो सीधी सीधी बात कर रहा है। 1 का 5 2 का 10, 1 का 5 2 का 10। नहीं समझा क्या? मेरे ऊपर 25 मर्डर केसेस है। हाँ? इसके पास 27 मर्डर केसेस है। 5 लाख में एक बच सकता है तो नहीं। एक काम कर, या तो और 5 लाख मुझे ला कर दे, नहीं तो जो 5 लाख तूने मुझे दिया है मैं वापस कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप फिर मिलाता हूँ। मान नहीं रहे ऊपर वाले,
अब सब धन्ना हो चुका यार। अब तुम दोनों भागो। अरे पब्लिक देख रही है, पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि पुलिस काम कर रही है। भाग, मैं गोली चलाता हूँ। गोली? अरे लगेगी नहीं भाई, 10 लाख रुपया दिया है, गोली ऐसी लग जाएगी, मैं हवा में चलाऊंगा। ये क्या है? इस किस्म की सुर्खियां आप मेरे खिलाफ अखबार में छाप कर क्या साबित करना चाहते हैं? यस प्लीज, जवाब दीजिए। सर, यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एसीपी अर्जुन को आप इतनी छूट देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाई को गुंडों ने कत्ल कर दिया था, इसलिए आपने गुंडों को खत्म करने के लिए अर्जुन को खुला छोड़ दिया है? आपके ऑपरेशन को क्या हम पर्सनल वेंडेटा समझे? क्या आपको ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपोजिशन और कुर्सी दोनों को नजरअंदाज कर रहे हैं? कौन सी अपोजिशन, कौन सी कुर्सी? जुर्म को हटाना पाप है, गरीब जनता की मदद करना गलत है। आप लोग किसके नुमाइंदा बनकर आए हैं? गुंडों या अपोजिशन की वकालत करने आए हैं या गरीबों की वकालत करने आए हैं? किसकी तरफ से आए आप लोग? सिर्फ अखबार में सुर्खियां छापना आपका काम है, और अखबार पढ़ने वालों की तकलीफें क्या है वो देखना आपका काम नहीं है? ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं आप लोग, पर्सनल वेंडेटा की बात करते हैं आप। गुंडों को खत्म करना पर्सनल वेंडेटा नहीं है, ये रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, जहाद है, क्रांति है, ऐलान जंग है उन लोगों के खिलाफ जो समाज में रहकर समाज की पीठ में छुरा भोंकते हैं। आज तक अनगिनत शरीफों और मासूमों का खून बहता रहा। आपने कभी पिछली सरकार से इसके बारे में पूछा, कभी सवाल उठाया? और जब हमने खूनियों को और कातिलों को पकड़ना शुरू किया, दबोचना शुरू किया, तो आपने हंगामा खड़ा कर दिया, इशू बना दिया उसका। मैं पैसे कमाने के खातिर कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, देश का प्रेम और हुब्बे वतन मुझे यहां खींच कर लाया है। और यह भी वादा करता हूं कि अगर किसी कराती आवाज ने किसी दिन मुझसे कहा कि गुलाम कलीम आजाद तुम गलत हो, उस दिन मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा, कान पकड़कर घुटने टेक कर आप सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मगर मेरे दोस्तों, एक राय आपको भी देनी है। सुबह जब आंख खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अखबार होता है। खुदा के लिए इसमें झूठ मत छापा कीजिए। हाथ में कलम आ जाए तो कलम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये 4 इंच की कलम 4 फुट के तलवार को काट कर उसके टुकड़े कर सकती है। कलम का सही इस्तेमाल कीजिए, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। चौधरी साहब, बात बर्दाश्त से पार हो गई है। उस आराम चादर ने मेरे दोनों भतीजों को तनी पार कर दिया, मेरा हाथ काट दिया, भाई साहब को जेल के अंदर भेज दिया। अगर उस आराम चादर कुत्ते अर्जुन को अगर आप भी खत्म नहीं किया होगा। नहीं, अर्जुन को मारने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद मर जाएगा। हमें सबसे पहले उस आदमी को खत्म करना है जिसने इस अर्जुन को महाभारत का अर्जुन बनाया है, गुलाम कलीम आजाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सीएम साहब नमस्ते। आपने नमस्ते। बहुत अच्छा सर, हम लोगों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया सर। नमस्ते सर। सर
सर, सर। सर, ये क्या हो गया सर? ये सब क्या हो गया? वही जो जंग में अक्सर सिपाहियों के साथ होता है। मगर तुम्हें एक बात याद रखना, एक सिपाही की मौत से जंगें बंद नहीं हुआ करती, जंगें हारने और जीतने के बाद बंद होती है। अर्जुन, ये जंग हम दोनों ने साथ में शुरू की थी, और जब तक इस जंग को जीत न लेना, अपने बदन से इस वर्दी को उतारना मत, क्योंकि जंग सिपाही जीतते हैं और तुम उस वक्त तक सिपाही हो जब तक तुम्हारे जिस्म पे ये वर्दी है। अच्छा दोस्त, चलता हूं, खुदा हाफिज, जय 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 हिंद। गुलाम कलीम आजाद की रूह को जन्नत बख्शना। वैसे तो किसी के रहने या नहीं रहने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी मौत से तुम जरूर अनाथ हो गए हो। इसने तुम्हें इतनी ताकत दे दी थी कि तुम इंसान से रॉबर्ट बन गए थे। राज चौधरी, अर्जुन किसी की ताकत से रोबोट नहीं बना। अर्जुन पैदा ही हुआ था शेर का जिगर लेकर। ये भी मेरी तरह मर्द थे, इसीलिए मुझे समझते थे। इनके मरने से अर्जुन टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है। अर्जुन, इंसान भले कितना मजबूत क्यों ना हो, जब तोड़ने वाले अपनी जात पर उतर आते हैं ना, इतना तोड़ते हैं कि फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा मौका है तुम्हारे पास, आजाद की लाश के साथ साथ अपनी मर्दानगी को भी दफना दो। मिलजुल कर रहोगे तो प्रमोशन का भी मजा लूटोगे। एक भी गोली बर्बाद नहीं करना। जो काम चीफ मिनिस्टर गुलाम कलीम आजाद अधूरा छोड़ गए हैं, उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत सी गोलियों की जरूरत पड़ेगी। शेर तो शहीद हो गया, मगर कुत्तों को हलाल करना अभी बाकी है। बिंदा, एक बात कहूँ? कहो। मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? अरे तो जल्दी करो यार, मेरे थिएटर बढ़ गए हैं, मजदूर पड़ गए हैं, और मेरे काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने बच्चे को ब्लैक मार्केटर कभी नहीं बनने दूंगी। मेरा बच्चा है, चाहे उसको मैं ब्लैक मार्केटर बनाऊं या व्हाइट मार्केटर, इसमें तुझको क्या है रे? तू अपना काम कर रे। चाहे उल्टा गिरूं प्यारे, चाहे सीधा गिरूं प्यारे, बिना कपड़े फिरूं प्यारे, करता लफड़े फिरूं, पर उसमें तुझको क्या है रे? तू अपना काम कर रे। तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। चाहे सीधा रहूं प्यारे, चाहे टेढ़ा रहूं प्यारे, चाहे बैठा रहूं प्यारे, चाहे लेटा रहूं, पर उसमें तुझको क्या है रे?
तू अपना काम कर रे, तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। के घर जाके लगाऊं पागल खाने का बोर्ड, रोज सुबह बाथरूम में लू के सर दूध का शावर, सिनेमा हॉल में जाके मैं तो ऑफ कर दूं पावर। फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट में दे दूं मोटा जंगली पैसा, होटल में खाके कह दूं मेरे पास नहीं है पैसा, माचिस की दिल्ली सुलगाने खरीद के लाऊं लाइटर, बीबी को पिटवाने लाऊं भाड़े पे फिल्मी फाइटर। चाहे गंजा घूमूं, पेट्रोल पी के जूमूं, झूठा खाना खाऊं, बोगस गाने गाऊं, पर उसमें तुझको क्या है रे, तू अपना काम कर रे, तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। कुत्ते को काट लूं, जूते को चाट लूं, कच्ची सुपारी में बूढ़ो में बांट दूं, पर उसमें तुझको क्या है रे, तू अपना काम कर रे, तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। दोनों तरफ बाल रखूं बीच में रखूं गैप, चांदनी रातों में भी घूमूं पहन के सर पे कैप, नैरो पेंट की फैशन में भी पहनूं बेल बॉटम, अंडरवेयर को ऊपर पहन के बन जाऊं मैं फैंटम। दोनों जूतों में लगवाऊं छे छे इंच के सोल, टेबल टेनिस खेलूं मैं तो लेके फुटबॉल, साइलेंट जोन में जाके चाहे पिटवाऊं मैं डॉल, एक पिक्चर घर मिल जाए तो कर लूं गधे का रोल। चाहे बच्चन बनूं, चाहे विलन बनूं, बंदूक उठा के मैं चाहे पुलन बनूं, पर उसमें तुझको क्या है रे, तू अपना काम कर रे, तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। चाहे पतला रहूं, चाहे मोटा रहूं, धोबी बन के चाहे कपड़े धोता रहूं, पर उसमें तुझको क्या है रे, तू अपना काम कर रे, तुझे क्या लेना देना रे, तू अपना काम कर रे। पर उसमें तुझको क्या है रे, तू अपना काम कर रे। आने में जरा देर हो गई, टायर पंचर हो गया था। साइकिल वाले अक्सर देर से ही पहुंचते हैं। भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं एक भाई से बात कर रहा हूँ, पुलिस अफसर से। जब एक भाई बोलेगा भाई सुनेगा, जब एक ब्लैक मार्केटियर बोलेगा पुलिस वाला सुनेगा। ए शाने, याद है तुझे, इसी गटर से हमारा बचपन शुरू हुआ है, हमारी जिंदगी यहां से शुरू हुई है। कहां है तू आज? आज तू कहां है, कहां मैं हूं, क्या तेरे पास? दो जोड़ी वर्दी, पुलिस क्वार्टर्स, 1400 रुपए की नौकरी और ये पंचर साइकिल। देख मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, दुनिया भर के थिएटर हैं और ब्लैक मार्केटर वर्कर्स है मेरे पास। क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है। माँ? मम्मी? मदर? अम्मा? हट, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरा मुंह मत खुलवा एड़े, भूल गया सौतेली माँ है? आज मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 2 मिनट में माँ को उठवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, बाप का इंतजार करूंगा। एक बार बाप मुझे मिल जाए ना तो माओ की लाइन लगा दूंगा मैं। इतना गुरूर अच्छा नहीं भाई, एक दिन तुम पछताओगे। चले चल चल चल, मुंह बंद कर, बकवास मत कर,
ये जो मुंह है ना, फूक मारने के लिए काम आएगा। फूक मार ले, हवा भर ले और निकल ले यहाँ से। बात करता है, मांडवली करने आया था। कभी दोबारा मिलना नहीं अकेला। नमस्ते नमस्ते चौबे साहब। गुलाम कलीम आजाद को सपोर्ट करके आप लोगों को क्या मिला? ना उसने खुद खाया, ना आप लोगों को खाने दिया। 3 सीटें हैं आप लोगों के पास और मुझे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 3 सीटों की ही जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपया दूंगा, बाकी जिस दिन चीफ मिनिस्टर की शपथ लूंगा 10 लाख और दूंगा। चौधरी साहब, 1 करोड़ रुपए बहुत कम है, मैं 3 सीटों के 2 करोड़ रुपए लूंगा। क्या 1 करोड़ कम होता है? गिनते गिनते जन्म बीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें मिनिस्ट्री में पोस्ट चाहिए। कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। मैं तुम लोगों को 5 साल के लिए खरीद रहा हूं और अगर बीच में सरकार गिराने की कोशिश की तो तुम लोग खुद गिर जाओगे, समझ लेना। देखो सत्यलाल, बड़ी मुश्किल से सीटें खरीद कर मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं। इस वक्त अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो मेरी मिनिस्ट्री बर्खास्त हो सकती है। उधर आजाद मर्डर के सिलसिले में दिल्ली से इंक्वायरी कमीशन यहां आ चुका है। अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं रहा, पब्लिक का हीरो बन चुका है। हम उसे ऐसा मेंटल टॉर्चर देंगे, उसके जमीर को खत्म करेंगे, जिसे एक दिन वो खुद ब खुद मर जाएगा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा सत्यलाल, वक्त का इंतजार करो। हाँ भैया, चौधरी साहब ठीक ही कह रहे हैं, घर चलो। आओ हेलो कौन है आप? से लगता है कि मैं औरत बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? कमीन। हमारे देश की औरत अभी इस हद तक नहीं गिरी है कि वो मर्दों को बुलवाकर अपनी इज्जत लुटवाए। सर आप इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस के अन्याय को पुलिस के इंसाफ करेगी, मैं तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस करूंगी। सर ये अर्जुन, ये वर्दी पहनकर जो तुमने गिरी हुई हरकत की है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। सही, देखिए सर। अर्जुन, याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मिनिस्टर साहब दोबारा पावर में आ गए तुम्हें उस दिन पर बहुत अफसोस होगा जिस दिन तुमने उनसे बदतमीजी की थी। तुम पर जनता की तरफ से ह्यूमन राइट्स एक्ट का मुकदमा चलाया जा रहा है और जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता
तुम सिर्फ ऑनलाइन ड्यूटी पर हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी पावर या इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारा ये जो सर्विस रिवॉल्वर है ना, ये डिपार्टमेंट को सौंप दो और इन्हें छोड़ दो। सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, नमस्ते सर। चलना ले पप्पू, लेना है रानी दे, रानी मेरे को। अरे जल्दी से पत्ते समेट लो, ऐसे भी अर्जुन आ गया, चलो चलो तो भागो। अरे तो ड्यूटी पे है तो क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता, चल। नमस्कार। आइए आइए। अयाल, सिक्योरिटी में तूने बड़ा ईमानदार आदमी रखा है, ये बहुत अच्छा किया। चल भाई चेक कर हमें, चल चेक कर हमें, चल चल। हमने जूते में भी हथियार छुपा रखा है, हो सकता है छुपाया हो। डाउन डाउन चेक कर, जूता जूता चेक कर, चल चल देख। ऑन मैन गो डाउन। इन्हीं हाथों से तूने मेरे भाई का हाथ तोड़ा था, याद है ना? अब तेरे ये हाथ जिंदगी भर मेरे जूतों पे रहेंगे। भैया इस कमीने ने तो सिर्फ मेरा एक हाथ तोड़ा है, अगर आप कहें तो इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दूं। हाथ तोड़ दोगे तो ये बेचारा वर्दी कैसे पहनेगा? फिर तो ये लूला लंगड़ा अपाहज किसी चिड़ियाघर का चौकीदार बनने के लायक भी नहीं रहेगा। देख लिया अर्जुन, थप्पड़ मारने का नतीजा? अरे अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे इतने थप्पड़ लगवाऊं कि तुम्हारा दम निकल जाए, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे जमीर और आत्मा को इतना जलील करना चाहता हूं, इतना जलील करना चाहता हूं कि तुम खुद ब खुद मर जाओ। हाँ नहीं अर्जुन, इस वक्त तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस चल रहा है, यहां अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू हम भाइयों के पीछे कुत्ते की तरह लगा हुआ था ना, ले आज हम तेरे सामने खड़े हैं, गिरफ्तार नहीं करेगा? कर गिरफ्तार। बेटे अब इसके दहाड़ने के दिन खत्म हो गए, कुत्ता बन गया है ये, अब ये हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं बल्कि हम इसके गले में पट्टा डालेंगे, है ना टॉमी?
है यारो मारो प्यार की चुस्की पी लो इश्क जी विस्की इश्क इश्क पी लो इश्क जी विस्की पी लो इश्क जी विस्की पी लो इश्क जी विस्की सबकी चीज है दुनिया सबकी दीवानी दीवाने 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 अरे आगे आगे इश्क चले और पीछे चले जवानी 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 संभल के पीना जाम इश्क का इसमें बड़े हैं खतरे एक बार ये चढ़ जाए तो सारी उम्र ना उतरे जिसने इश्क की बोतल खोली ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी होगी ना दास्तानों में। हेलो मिस्टर अर्जुन, ओह आई एम सॉरी मिस्टर मर्ड। हाँ
क्योंकि आप जैसे मर्दों ने इस देश की जनता की रखवाली का ठेका लेके रखा है। जिस तरह लोग रोजी रोटी कमाने के लिए भगवान के आगे माथा टेकते हैं ना, उसी तरह आपको अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट नेताओं के तलवे चाटने पड़ेंगे, क्योंकि आप मर्द हैं। आप जानते हैं मिस्टर मर्द, आपके पास एक रिवॉल्वर भी है जिसमें 6 गोलियां हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं, लेकिन गलती से उसे चलाना नहीं, आप चलाएंगे तो उनका हिसाब देना पड़ेगा। 10 साला काहे का मर्द है तू, हा तू साला गुलाम है, गुलाम। लेकिन इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, आप जैसे मर्दों के लिए मेरे पास एक दवाई है, इसे पीजिए और हमेशा के लिए अपनी मर्दानगी को मौत की नींद सुला दीजिए। कम ऑन मिस्टर मर्द, एंजॉय योरसेल्फ। वाह, ये वही मर्द है जो जुल्म और सितम पर आंधी बनकर बरसना चाहता था, जो भ्रष्टाचारी और करप्ट गवर्नमेंट को अकेला मिटाने की ताकत रखता था, जो हवा का रुख बदलना चाहता था, जिसकी मर्दानगी पर फिदा होकर मैंने मैंने अपना तन और मन उसे सौंप दिया। बड़े अफसोस की बात है, आज उसी मर्द ने अपनी मर्दानगी को दारू में बहा दिया और चंद गुंडों और भ्रष्ट नेताओं के आगे उसने अपने घुटने टेक दिए। क्या भरोसा वक्त आने पर वो अपनी बीवी की रक्षा भी कर पाएगा या नहीं। तुम अब मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहे। तुम आज खुश तो बहुत होंगे जो आज तक तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं उतरा, वो आज तेरे सामने 3-पीस सूट में खड़ा है। बोल, खुश है कि नाराज है? अरे बोल, बोलता क्यों नहीं, बोलना। बस करो, जब से दीवार फिल्म बनी ये डायलॉग सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मुझे माफ करो, अब मैं कुछ मनोरंजन चाहता हूं। प्रभु, प्रभु, अरे तुम तो वही टिकट ब्लैक मार्केटियर बिंदास हो ना? क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा? क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा? प्रभु, वो चक्र कहाँ है? घूम गया होगा। टिकट है ना, सब आपके लिए। एक टिकट प्लीज। एक? और लीजिए ना, मीरा जी को, राधा जी को, सारी गोपियों को बुला के सत्संग साथ में बैठ के देखिए ना। इश्क 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 लीजिए प्रभु, प्रभु। खुश रहो। कृष्ण लोवा लोवा, तेरी आंखों का जादू, दर्शन तेरे हो गए कृष्णा कृष्णा, दर्शन तेरे हो गए कृष्णा कृष्णा। काश इस वक्त माँ मेरे साथ होती, कितनी खुश होती। माँ, माँ,
कैसी है तू? माँ, तूने 25 साल 30 साल यहाँ मगजमारी की, भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज मैंने साक्षात कृष्ण भगवान को देख लिया, प्रत्यक्ष भगवान मेरे सामने आए। माँ, आज मैं धन्य हो गया हूँ, काला धंधा ब्लैक मार्केटिंग सब छोड़ दूंगा, देश की सेवा करूंगा माँ, धरती माँ की सेवा करूंगा। बेटा, हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है, हाँ, तो उसे भूला नहीं कहते। माँ, कितना सड़ा हुआ डायलॉग बोल रही है माँ, फिर भी तो माँ तुझे बोर करने का हक है। माँ, वो लूला कहाँ है? हाँ? अपना दास कहाँ है? माँ, अपुन इधर है भाई। है? भाई, अपुन ने आपकी बात मान ली क्या और पुलिस की नौकरी छोड़ के ब्लैक मार्केट का धंधा शुरू कर दिया है। 10 का 50 करने में बहुत मजा आ रहा है। अपुन जा रहा है, शो का टाइम हो रहा है। बाय, सी यू। हे भगवान, मेरी जिंदगी में से ये दीवार की कहानी कब खत्म होगी? खत्म हो जाएगी माँ, ये दीवार यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं 2 बार कपड़े का इंतजाम करता हूँ, इस दीवार को यहीं पे गिरा देता हूँ। माँ जा, मैं भी निकल रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जज साहब, कानून के कटहरे में खड़ा ये सनकी और सरफिरा पुलिस ऑफिसर अर्जुन खन्ना है। अर्जुन खन्ना, इस पुलिस ऑफिसर की ये खूबी है जज साहब कि इसने आज तक कोई भी काम कानून के दायरे में नहीं किया, जिसे जब चाहा 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 गिरफ्तार कर लिया इसने, भले ही वो पूजा करने के लिए जा रहा हो या फिर इबादत करने के लिए। जिसे भी भागते हुए देखा जज साहब, इसने उसे इनकाउंटर करके मार दिया, भले ही वो बस पकड़ने के लिए जा रहा हो या फिर ट्रेन पकड़ने के लिए। इतना ही नहीं जज साहब, इसने एक महिला की इज्जत भी लूटी है। मिलॉर्ड, ऐसे तमाम आरोपों का हवाला देकर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने इस पर एक मुकदमा किया है। मेरी इस अदालत से दरखास्त है जज साहब कि एसोसिएशन के आरोपों को और चार्जशीट को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला पहली नजर में किया जाए, क्योंकि मिलॉर्ड, ऐसे केस में तारीखों का बढ़ाना अदालत के वक्त की बर्बादी होगी। मिस्टर अर्जुन खन्ना, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहो। जज साहब, मैं पेशे से वेश्या हूँ, मगर आज के दौर में जहाँ भाई बहन की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, इस मर्द ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझ जैसी वेश्या की इज्जत बचाने के लिए। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे झूठे वकीलों की दलीलों को नजरअंदाज करें। I object, Your Honor. जिसके छूने से पवित्र ग्रंथ भी नापाक हो जाते हैं जज साहब, क्या ऐसी वेश्या की गवाही अदालत मानेगी? वेश्या कोई आसमान से पैदा नहीं होती, इसी समाज के गंदे लोगों के खून से पैदा होती है। वो आपकी माँ, बहन और बेटी भी हो सकती है। Shut up! You shut up! And don't force me to open my mouth. Otherwise, everybody sitting here will know the color of your underwear and the mark on your thighs. I strongly object, Your Honor. Objection sustained. आपको जो कुछ भी कहना है कानून के दायरे में रहकर कहो। जज साहब, मैं इतना ही कहूंगी, ऐसा कोई फैसला नहीं कीजिएगा जिससे कानून को शर्मिंदा होना पड़े। जज साहब, जिस सिपाही पर दूसरे की इज्जत लूटने का आरोप लगा है, उसी ने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। सच्चे सिपाहियों के साथ ऐसा ही सलूक होता है, मगर साहब, उस मां के लिए गर्व की बात है इसकी कोख से ऐसे बेटे ने जन्म लिया हो। जज साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी फैसला करने से पहले इस मां की आंखों के आंसू
और दिल की सच्चाई को जरूर देखना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये दिल, आंसू और जज्बात, अदालत इन सब पर भरोसा नहीं करती। जज साहब, अदालत को सबूत चाहिए, सबूत। सबूत मैं हूँ जज साहब। जज साहब, ये झूठे के अर्जुन साहब ने मेरी इज्जत लूटी। अर्जुन साहब को फंसाने के लिए डीआईजी साहब ने मुझ पर दबाव डाला था। मैंने डर के मारे ये सब किया था। अर्जुन साहब एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर है, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए जज साहब। तमाम गवाहों के बयानात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलीलें और अदालत की अपनी जांच पड़तालों से ये बात सामने आती है कि एसीपी अर्जुन खन्ना ने जो कुछ भी किया वो सब कानून के दायरे में किया। इसीलिए तमाम इल्जामात वापस लेते हुए अदालत एसीपी अर्जुन को बाइज्जत रिहा करती है और पुलिस डिपार्टमेंट को यह हिदायत देती है कि एसीपी अर्जुन को वो सारे इख्तियारात वापस किए जाएं और डीआईजी पर इंक्वायरी बिठाई जाए। द कोर्ट इज एडजर्न। हेलो सर, अभी अभी मैंने सत्या की बेटों को वो बोला गोडाउन की तरफ जाते हुए देखा है। जिन लोगों को तुम लोगों ने मार डाला वो भी मौत से डरे होंगे, उन्हें भी दर्द हुआ होगा, चिल्लाए होंगे, तड़पे होंगे, रोए होंगे, मगर तुम लोगों ने रहम नहीं किए होंगे।
अब जब तुम लोगों के सामने तकलीफ आ पड़ी तो कलेजा फट गया। कर और एहसास कर तकलीफ क्या होती है। माफ कर दो। चलिए तेरे बाप को फोन लगा और बता जो दर्द अब तक उसने बांटे हैं उसकी चुभन कैसी है। चल 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 फोन लगा। मुझे माफ कर दे। हेलो हेलो पापा मुझे इंस्पेक्टर पापा मुझे इंस्पेक्टर मार देगा पापा मुझे। सत्या जो कांटे तूने मासूमों की राहों में बिछाए थे वही कांटे चुनकर मैंने तेरे बेटों के गले में घुसा दिया। अब सिर्फ बेटों की लाशों की इंतजार करना। अर्जुन कुछ मत करना। तुम्हारी 22वीं रिहाई के वास्ते बाबा से मन्नत मांगी थी कि तुम अपने हाथों से उनकी मजार पर चद्दर चढ़ाओगे। चढ़ाओगे ना? जरूर मुझे। जीते रहो बेटा। चल। अल्लाहु अकबर अल्लाह। أشهد أن لا إله إلا
اشهد ان لا اله الا الله. समझते थे कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन जनता की दुआओं से उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। अगर उसकी सांसें यूं ही चलती रही ना, तो हम सबकी सांसें बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ करो जी। उसकी सांसें बंद करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो दे दी थी भाभी जी, अर्जुन की जान को खतरा है। हाँ, लेकिन लेकिन उनके बाद में सबसे पहले आप अर्जुन को यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। हम लोग बाहर खड़े हैं। हाँ, जल्दी आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। नहीं, I'm sorry.
मैं तेरी सुरक्षा का चक्रव्यूह तोड़कर तुझ तक पहुंच गया हूं। अब तेरी राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति कोई भी तुझे बचा नहीं सकता। कमीशन बना दूंगा, मैं प्रमोशन नहीं, तेरे खून का इल्जाम अपने सर लेना चाहता हूं। तेरे दिए हुए प्रमोशन से तो अच्छा है तुझे मारकर फांसी पे चढ़ जाऊं। मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तू सारी जनता को मार डालेगा। जिंदा नहीं बचेगा आप, खत्म कर दो इसको। Yeah!
आएगा हाहाकार जब अपने पे आएगा चप्पार। जय हिंद।